डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गामा केरी क्लासेस। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स में एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को। लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया हुआ था बेटा, उसका इंट्रोडक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था, यानी हमने थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था। जो कुछ कंडीशन हमें प्रॉपर्टीज अभी बात की होंगी वो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम क्या करेंगे, जो हमारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते थे वो एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे इन दिस वीडियो। तो यानी हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ यदि हमारा कोई ए वेक्टर गिवन आउट है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस का 3j माइनस का 2 कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस का 3j कैप, फाइंड करना है हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का पूरा मॉड ऑफ। ठीक है, यानी हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, देन हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन से पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। बेटा हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, फॉर्मूला हमने बताया था कोई हमारा साइन था, साइन में क्या हमारा था आई कैप J कैप K कैप। ठीक है, और हमारा क्या था A क्रॉस B था, यानी तो क्या होगा A1 A2 A3 then B1 B2 B3। ये हमारा कोई डिटरमिनेंट के अंदर क्या था A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न भी हो गया था। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी हमारा आएगा क्या, यानी हमारे यहाँ पे क्या है a वेक्टर इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप। तो यानी हमारा जो a वेक्टर, इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, मेरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में एक बार लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो बेटा हमने a वेक्टर क्या लिख दिया होता a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 एंड इसी तरह हमने क्या लिख दिया था b1 b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या फॉर्मूला बना था, ये बना था, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3। ठीक है, अब बेटा हमारा जो ये दिया हुआ यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, यानी हमारा a1 a2 एंड a3 के प्लेस में कोई हमारी वैल्यूज दी हुई है। तो बेटा हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, यानी क्या निकालेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, मेरा i कैप रहेगा, j कैप रहेगा और k कैप रहेगा। a1 के प्लेस में बेटा कितना है 1, कितना है बेटा 1। a2 के प्लेस में कितना है 3, कितना है 3। ठीक है, और हमारा किसके a3 के प्लेस में है माइनस का 2, a3 के प्लेस में है मेरा माइनस का 2। अब इसी तरह मेरा b1 में, यानी b1 b2 b3, यानी b1 हमारा कितना है, यानी i का मल्टीपल हमारा क्या है, i का मल्टीपल है मेरा माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा माइनस 1, कितना होगा माइनस 1। और हमारा j का मल्टीपल यानी b2, यानी हमारा j का मल्टीपल b2 हमारा कोई दिया नहीं हुआ है, यानी हमारा j कैप कोई दिया नहीं हुआ, यानी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा b3 क्या होगा, b3 होगा मेरा 3, क्योंकि हमारे k कैप के साथ क्या है 3 है। बेटा हमारा कितना हो जाएगा 3, समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी किसी डिटरमिनेंट यानी सारणी को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में सी आउट किया होगा, क्योंकि हमने आपको पूरा एक्सप्लेन करके फिर से समझाया था, और आपने सारणी चैप्टर्स भी जब डिस्कस किया होगा तो उसमें ये चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी आई कैप जब हम ये लेते हैं, यानी फर्स्ट लेंगे तो यानी आई कैप करेंगे तो ये हमारा को गैप हो जाएगा और ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी क्या होगा 3 9 माइनस 0, यानी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हम किसी भी वैल्यू में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 आएगा। ठीक, माइनस का हमारा क्या होगा जे कैप, क्योंकि हमारा बीच वाला क्या होता है माइनस का होता है। अब मेरा ये लाइन ड्रॉप होगी, यानी हमारा क्या होगा फर्स्ट रो ड्रॉप होगी एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम मेरा क्या होगा ड्रॉप होगा, यानी हम 1 का मल्टीप्लाई में 3 में करेंगे कितना आएगा बेटा 3।
इसका मान कितना है, इसमें का कितना आएगा माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू यानी ए प्लस का टू। जब हम इसको माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, ये तो मेरा प्लस की है वैल्यू बट मेरा साइन किसका होता है माइनस का होता है क्योंकि हम क्या करते थे हम पहले माइनस करते थे। यानी फॉर्मूला जो होता है वो हमारा ये होता है कि ये जो हमारा इसका इसका क्रॉस का मल्टीप्लाई होगा देन हमारा जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी, प्लस का हमारा क्या होगा बेटा के कैप, ठीक है प्लस का हमारा के कैप होगा। यानी हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप हुआ यानी इसका मल्टीप्लाई जीरो, आगे क्या होता है माइनस। अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री आएगा, कितना आएगा बेटा माइनस का थ्री आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस यानी हमारा यहाँ पे आएगा थ्री, ठीक है। यानी हमारा फाइनली आ गया आई नाइन आई कैप माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा वन आएगा, कितना आएगा वन आई जे कैप प्लस थ्री के कैप, आया कि नहीं आया यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा हमारा ये क्या आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू आई वो नाइन आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप। हमें निकालना क्या था ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड, यानी हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी हम इसका क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरा आई कैप के जो साथ में मल्टीपल है यानी नाइन का स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे नाइन का स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ पे हमारा क्या होगा जो हमारे जे कैप है उसके साथ में जो लिखा हुआ नंबर है या कोई अल्फाबेट होगा तो उसका स्क्वायर यानी हमारा माइनस वन का स्क्वायर, इसी तरह हमारा के कैप के साथ वाला यानी थ्री का स्क्वायर, ठीक है इतनी चीज सीधे हो गई। अब बेटा हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा थ्री नाइन का स्क्वायर, नाइन का स्क्वायर एट्टी वन प्लस ये हमारा होगा प्लस वन प्लस का नाइन, इतनी चीज सीधे हो गई। यानी हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटली आ जाएगा 91, कितना आएगा 91, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे बेटा एक क्रॉस बी वेक्टर का होल मॉड, ठीक है ये हमारा क्या होगा बेटा फाइनली आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, देन हम इस सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट। क्वेश्चन ये है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस के कैप बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर cos B वेक्टर, यानी क्वेश्चन मेरा बेटा वैसे ही है, यहाँ पे हमारा क्या है साइन लगाने की जगह हमारा क्या हुआ है उसको वर्ड में लिख दिया, यानी हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं तो मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा, तो वीडियो को पूरा आप देखिएगा, कोई भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा, इससे हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दो वेक्टर दिए हैं और कह रहा है कि हमें ए कॉस बी वेक्टर निकालना है। तो जब हमारा ए कॉस बी वेक्टर की बात करेगा तो हम फॉर्मूला बेटा कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला वैसे लगाएंगे यानी ए कॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू लगा देंगे फॉर्मूला क्या आई कैप जे कैप के कैप, क्या फॉर्मूला होता है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये तो बेटा हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप वैसे ही रहेगा, यानी क्या रहेगा आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है इतनी चीज क्लियर। अब हमारा ए वन, ए वन क्या है यानी टू, यानी हमारा जो ए वन ए वन ए टू ए थ्री किससे निकालेंगे ए वेक्टर से, यानी हमारा आई कैप का जो मल्टीपल होगा वो यानी होगा यानी टू के, यहाँ पे हमारा जे कैप का मल्टीपल नहीं दिया हुआ है, हमारा जे कैप कितना हो जाएगा सात वाला जीरो, यानी हमारा जे कैप के प्लेस में हम क्या लिखेंगे जीरो, ठीक है यानी ए टू के प्लेस में हम लिखेंगे जीरो, क्लियर हो गई। ए थ्री के प्लेस में लिखेंगे क्या वन, क्योंकि हमारे के कैप के साथ कितना लिखा हुआ है वन, ठीक है। अब हम बी वन के साथ क्या लिखेंगे, यानी हमारा जो वी बी वेक्टर होगा उसके यानी उससे निकालेंगे क्या बी वन बी टू एंड बी थ्री, यानी हमारा क्या होगा वन, बी टू क्या होगा वन एंड बी थ्री क्या होगा बेटा वन, ठीक है ये चीज क्लियर होगा। अब हम इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते थे बेटा, हम सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, पहले हम लेंगे फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट रो यानी आई कैप, यानी हमारा क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा यानी जीरो, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा कितना आएगा बेटा, मतलब वन आएगा माइनस का, क्लियर हो गया। प्लस दिया हुआ प्लस लगाएंगे, इसमें हमारा क्या लेंगे जे कैप, जे कैप भी जब लेते हैं यानी सेकंड में, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है साइन माइनस का होता है, यानी माइनस जे कैप एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप होगा, यानी क्या बचेगा टू का मल्टीप्लाई वन के साथ होगा, यानी कितना आएगा टू आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा यानी हमारा कितना आएगा वन आएगा, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा के कैप, कितना आएगा बेटा के कैप, तो के कैप जो होगा यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप होगा यानी कितना आएगा टू माइनस का जीरो, क्या होगा टू माइनस का जीरो, यानी अब बेटा इसको हम सॉल्व करें तो हमारा आएगा माइनस का आई कैप एंड माइनस का आएगा मेरा जे कैप, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस करेंगे टू में वन माइनस करेंगे वन आएगा प्लस का, और हमारे यहाँ पे माइनस जे लिखा हुआ, तो हम जब प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जे के साथ तो कितना आएगा मेरा जे कैप आएगा, प्लस यहाँ पे हमारा क्या होगा टू के कैप, कितना होगा टू के कैप, यानी हमारा कितना आया ये एक वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमें क्या निकालना था मैग्नीट्यूड, तो बेटा हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या आएगा मेरा रूट में, रूट में क्या होगा आई के साथ जो हमारा नंबर या कुछ लिखा होगा उसका स्क्वायर, आई के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस वन, तो माइनस वन का हम स्क्वायर करेंगे, प्लस यहां पे जे के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे बेटा, प्लस टू के साथ क्या लिखा हुआ है जे के कैप के साथ लिखा हुआ है मेरा टू, यानी हम टू का स्क्वायर करेंगे, क्लियर। अब हमारा आएगा क्या, अब जो बेटा हमारा आएगा वन प्लस वन प्लस फोर, यानी हमारा कितना आया वन प्लस वन प्लस फोर, यानी हमारा आ गया टोटली आ गया मेरा रूट का सिक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा मैग्नीट्यूड, ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया। अब हम क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ और बोथ द वेक्टर्स 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड माइनस 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। अब बेटा हमारे पेपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है वो भी हम पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं पेपेंडिकुलर होने की डिस्कस आप बता देते हैं। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर एंड n कैप। तो बेटा आपको ये पता होगा कि हमारा n कैप क्या होता है, n कैप होता है हमारा उन दोनों बीच का यूनिट वेक्टर, क्या होता है बेटा यूनिट वेक्टर, यानी हमारा जो ए वेक्टर कॉस बी वेक्टर के साथ बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि हमारे ये आपस में पेपेंडिकुलर है, तो पेपेंडिकुलर होंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, ठीक है। तो यानी हमारा जो साइन थीटा था वो क्या हो गया ड्रॉप हो गया। अब हमारा यहाँ पे जो बचा क्या ए वेक्टर कॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर एंड एन कैप, ठीक है। हमें कह रहा है कि हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मींस होता है हमारा कोई कैप, यानी हमारा एन कैप, एन कैप निकालेंगे, यानी एन कैप इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, फॉर्मूला जो हमारा बन के आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये आपको अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीडियो पे, तो आप उसको कंप्लीटली देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पेपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है। मैंने क्या किया है डायरेक्टली हमने यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, यानी हमारा अगर यूनिट वेक्टर पूछता है यानी एन कैप पूछ रहा है, तो यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे। यानी हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर हम लेट कर लेते हैं कितना 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर क्या लेट कर लेते हैं माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हम किसकी बात करेंगे a क्रॉस b वेक्टर की,
तो यानी a क्रॉस b वेक्टर जो होगा वो हम डायरेक्टली अब इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, यानी i कैप j कैप k कैप। ठीक है, अब हमारा जो a1 होगा, a1 कहां से निकालेंगे, a वेक्टर से निकालेंगे, तो a1 हमारा कौन सा होता है i के साथ वाला टर्म से, यानी 4, एंड a2 क्या होगा -1, a3 क्या होगा मेरा 3। ठीक है, और हमारा सेकंड क्या होगा b1, यानी माइनस का 2 एंड प्लस का 1 एंड माइनस का 2। ये आपको चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे a cos b वेक्टर की, किसकी आ गई a cos b वेक्टर की। अब बेटा हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा i कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप होगा, यानी क्या आएगा -2 -2 यानी प्लस का 2, माइनस का आएगा कितना माइनस का 3। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या होता है बेटा माइनस का होता है, माइनस a कैप एंड आगे क्या होगा मेरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप यानी 4 माइनस 4 2 8 यानी माइनस का 8 एंड ये हमारा कितना होगा माइनस का प्लस का आएगा कितना 3 2 6 कितना आएगा बेटा 3 2 6 आएगा नहीं आया। अब बेटा हमारा प्लस का क्या होगा k कैप होगा, क्या होगा बेटा हमारा k कैप होगा, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप यानी 4 बन जा 4, यहां साइन किसका होता है माइनस का। अब हमारा ये किसका होगा माइनस का 1 एंड माइनस का 2 यानी हमारा कितना आ गया बेटा हमारा जो आएगा वो कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है, दिस इज क्लियर हो गए। अब बेटा हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरा माइनस का i कैप, ये हमारा कितना आएगा माइनस का आएगा कितना माइनस का है 2 और यहां पे माइनस यहां पे माइनस यानी प्लस का 2 j कैप। ठीक क्लियर हो गए, अब हमारा है यहां पे प्लस का 2 k कैप। चीज समझ में आ गई, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की। अब बेटा हमें निकालना क्या है, मॉड निकालना है, यानी इसका मतलब मॉड निकालें मैग्नीट्यूड मींस, तो यानी हमारा कितना आएगा रूट में, क्या आएगा रूट में i के साथ वाले का स्क्वायर, यानी हमारा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी हमारा j कैप का साथ वाले का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हम इसका अंदर का रूट सॉल्व करें, यानी क्या आएगा हमारा 1 प्लस 2 2 4 यानी हमारा कितना आया रूट 9 यानी मॉड की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। कितनी आ गई 3। ये चीज क्लियर हो गई, हमारी a वेक्टर मॉड ऑफ मल्टीप्लाई b वेक्टर की वैल्यू आ गई 3। यानी हम n कैप क्या लिखेंगे, n कैप इज इक्वल टू लिखेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। यानी हमने a वेक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने माइनस i कैप प्लस 3 2 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, अपॉन इसकी में वैल्यू जो हमारी आई, ये हमारी क्या आई वैल्यू क्रॉस सॉरी यहां हमारी वैल्यू आई 3, यानी हमारा फाइनली आंसर आ गया 1/3। अब हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ये हमारा क्या हो गया बेटा फाइनली आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। फोर नंबर बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 के कैप प्लस का 4 के कैप मल्टीप्लाई क्रॉस i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, अभी तक हमें क्या दिए होते थे, कोई दो वेक्टर दिए होते थे और हमारा फाइनली पूछता था a वेक्टर cos b वेक्टर फाइंड आउट करिए बेटा। अब हमें क्या दिया गया है, हमें a cos b के फॉर्म में दे दिया गया है, किसके फॉर्म में a cos b के फॉर्म में दे दिया गया है। अब हमें करना क्या है, बस हमें फॉर्मूले में रखना है और उसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कैसे कर देते हैं वो सारी चीजें आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी हम क्या निकालेंगे, सपोज अगर a वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसके प्लेस में कोई मान लें कोई c वेक्टर एंड cos d वेक्टर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, यानी हमने इसके प्लेस में माना c वेक्टर
इसकी डेसिमल है डी वेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सी क्रॉस डी निकालना है, यानी इसको लिख ले ए वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे तो आपको समझाने के लिए लिख लें कितना सी वेक्टर के इज इक्वल टू हम लिख लें कितना थ्री के कैप प्लस फोर जी, ठीक है। एंड डी वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख लें कितना आई कैप, ये लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ये क्या किया बेटा, लेट किया हुआ, क्या किया हुआ, लेट किया हुआ है। अब बेटा हम ए वेक्टर निकालेंगे, यानी हमारा इसका क्रॉस निकलेगा, तो वो हमारा क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। अब हमारा आई यानी ए वन ए टू ए थ्री होता था, तो यानी हमारा ए वेक्टर सपोज हमारा क्या है, ये है, तो हमारा आई वाला जो है वो कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, यानी हमारा आई के साथ वाला क्या होगा, जीरो होगा, यानी ए वन जीरो होगा। इसी तरह हमारा बी वन ए वन यानी ए टू कितना होगा, फोर होगा, क्योंकि हमारा ए टू किसके साथ था, जे के साथ था, यानी हमारा कितना होगा फोर। अब हमारा के क्या है, थ्री, के साथ वाला थ्री, यानी ए थ्री की वैल्यू, ठीक है, दिस इज क्लियर हो गई। इसी तरह हमारा इसमें है बी वन कितना है मेरा वन है, बी टू कितना है वन है, एंड बी थ्री कितना है माइनस वन है, जिसकी क्लियर हो गई। यानी हमारा ए वेक्टर जो आएगा उसको हम आप क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, इस सारणी को सॉल्व करेंगे, यानी क्या होगा आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप हुआ, यानी फोर का मल्टीप्लाई वन के साथ हुआ कितना है माइनस का फोर, माइनस का आएगा हमारा कितना थ्री, चीज क्लियर हो गई। माइनस का आएगा हमारा जे कैप, क्योंकि हमारा जो जे वाला होता है वो क्या होता है, टर्म्स माइनस में होता है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप हुआ, यानी हमारा जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ किसका, माइनस वन का, फाइनली आया हमारा कितना जीरो, इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, यानी आएगा माइनस का थ्री प्लस, अब हमारा क्या आएगा के कैप, क्या आएगा के कैप। अब हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप हुआ, यानी वन का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, जीरो के साथ, यानी कितना आया जीरो माइनस, अब हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस का फोर, ठीक है। अब यानी फाइनली हमारा कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का सेवन आई कैप, माइनस माइनस प्लस यानी थ्री जे कैप, माइनस का फोर के कैप, जिसकी हो गई, यानी हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए वेक्टर की। अब हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी हमारा क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकालते कैसे थे बेटा, अंडर रूट में पहले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो आई के साथ वाला कंपोनेंट है सेवन का स्क्वायर करेंगे, यानी माइनस सेवन का स्क्वायर करेंगे, प्लस हमारा क्या आएगा, इसमें हम थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन, इसे स्टेप लिख देता हूँ, थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस का फोर का स्क्वायर, यानी हमारा कितना आएगा, रूट्स में फोर का सेवन का स्क्वायर करेंगे फोर्टी नाइन, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन, एंड फोर का स्क्वायर करेंगे सिक्सटीन, कितना आएगा सिक्सटीन, यानी हम इसको थोड़ा सा प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा फिफ्टी एट, कितना हो जाएगा फिफ्टी एट प्लस सिक्सटीन, यानी हमारा कितना हुआ, रूट में एट सिक्स कितना हुआ ट्वेल्व, एट सिक्स हुआ मेरा फोर्टीन का फोर, वन कैरी गया सेवन, यानी कितना हुआ सेवेंटी फोर, ये हमारा क्या हो गया बेटा फाइनली आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सिक्स नंबर बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस ए कैप माइनस का टू के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है, फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस का टू बी वेक्टर क्रॉस टू ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, दिस इज क्लियर हो गई। अब बेटा हम क्या करेंगे, पहले हम 2b की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे किसकी 2a की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमारा इसमें रखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पहले हम 2a एंड 2b की वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी 2a वेक्टर क्या आएगा हमारा, 2a वेक्टर आएगा यानी 2, a वेक्टर की प्लेस में लिखेंगे कितना 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, यानी कितना आएगा 3 2 जा 6, जब अंदर मल्टीप्लाई 2 का करेंगे कितना आएगा 3 2 जा 6 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप, ठीक है। अब बेटा हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 2b वेक्टर की, किसकी निकालेंगे 2b वेक्टर क्या आएगा हमारा
टू बी वेक्टर क्या दिया है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, यानी हमारा क्या आएगा, टू टू जा फोर, आई कैप टू थ्री जा सिक्स, जे कैप टू वन जा टू, यानी टू के कैप। आया कि नहीं आया यहां तक समझ में, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब एक हम बात करेंगे किसकी फाइंड करना है हमें, ए वेक्टर प्लस का टू बी वेक्टर क्रॉस टू ए वेक्टर माइनस का टू बी वेक्टर। पहले हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, ए प्लस टू बी वेक्टर की, यानी ए प्लस टू बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर हमारा कितना दिया होगा बेटा, थ्री आई कैप माइनस जे कैप माइनस का टू के कैप, ठीक है। प्लस का आएगा हमारा टू बी वेक्टर की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा, फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस का टू के कैप, प्लस का टू के कैप, ठीक है। अब बेटा हमारा जो आई के साथ आई वाले प्लस होंगे, जे के साथ जे वाले, के साथ के वाले, यानी फोर में हम क्या करेंगे, थ्री प्लस करेंगे कितना आएगा, सेवन आई कैप, कितना आएगा सेवन आई कैप, ये हमारा कितना होगा बेटा सिक्स, यानी सिक्स में हम वन माइनस करेंगे कितना आएगा फाइव जे कैप, साइन किसका आएगा ग्रेटर देन कौन है सिक्स है, तो सिक्स का साइन आएगा क्या प्लस, इसमें हम जब करेंगे तो यह आएगा हमारा जीरो, क्या आएगा जीरो, क्योंकि ये हमारा प्लस में है एंड ये माइनस में, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारा ए वेक्टर क्रॉस टू बी वेक्टर की जो बात होगी वो हमारी होगी सेवन आई कैप प्लस फाइव जे कैप से, ठीक है। इसी तरह निकालेंगे क्या टू यहां पे सॉरी प्लस होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, टू ए माइनस का बी वेक्टर की, तो हाँ टू ए यानी टू ए मैंने कितना निकाला बेटा, मैंने टू ए निकाला था सिक्स आई कैप माइनस टू जे कैप बेटा माइनस का फोर के कैप, ठीक है। अब हमारा बी वेक्टर की जो वैल्यू है, बी वेक्टर की वैल्यू हमारी जो है वो कितनी है, टू आई कैप ब्रैकेट में लिखा क्यों, क्योंकि साइन इसका है माइनस का है, तो यानी टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। बेटा हम ऐसे डायरेक्टली लिख देते तो आपको साइन चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती, तो मैंने क्या किया एक स्टेप और लिख दिया, यानी हमारा क्या हो गया सिक्स आई कैप, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, सिक्स में टू ये माइनस होगा कितना आएगा बेटा फोर, यानी फोर आई कैप, इसको हम जब माइनस करेंगे यानी टू में थ्री माइनस 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 क्या होगा प्लस होगा, यानी फाइव जे कैप, ये जब हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस यानी फाइव के कैप, ये किसकी वैल्यू आ गई टू ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर की, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, इन दोनों का क्रॉस निकालना था बेटा, क्या निकालना था क्रॉस, बेटा हम जब क्रॉस निकालेंगे यानी ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर क्रॉस टू ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, यानी हमारा फॉर्मूला क्या होता है आई कैप जे कैप के कैप, यानी हमारा क्या होगा टू ए, इसकी वैल्यू जो हमारी निकली वो कितनी है सेवन आई प्लस का फाइव जे, यानी कितना होगा सेवन लिखेंगे ए वन की प्लेस में ए टू की प्लेस में, फाइव ए थ्री हमारा है यानी जीरो हो जाएगा, इसमें हमारा क्या होगा फोर होगा माइनस का फाइव एंड माइनस का फाइव। अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्यूशन क्या होगा आई कैप, ये हमारा क्या होगा ये माइनस का फाइव है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप होगा, यानी फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव माइनस का होगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, माइनस का जी कैप। अब हमारे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप हुआ, यानी सेवन फाइव सा थर्टी फाइव, कितना हुआ थर्टी फाइव माइनस सेवन फाइव से थर्टी फाइव, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, प्लस का आएगा के कैप प्लस का के कैप। अब हमारा अंदर क्या होगा, ये हमारे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप हुआ सेवन फाइव सा थर्टी फाइव, कितना है थर्टी फाइव, और ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो, चीजें क्लियर होगी, यानी हमारा आंसर जो आएगा माइनस का ट्वेंटी फाइव आई कैप माइनस माइनस प्लस का थर्टी फाइव जे कैप माइनस का थर्टी फाइव के कैप। हमें निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए वेक्टर प्लस का टू बी वेक्टर
cos 2a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर का cos निकालना था, तो यानी बेटा हमारा ये क्या हो गया, फाइनली आंसर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। बेटा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 49 व्हिच इज द परपेंडिकुलर बोथ ऑफ द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, कह रहा है हमारा कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनमें जो मैग्नीट्यूड लग रहा है वो 49 का लग रहा है, तो हम क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, कोई जो रिक्वायर्ड वेक्टर्स है उसको हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमारा कितना रिक्वायर्ड होगी वेक्टर की वो हमें फाइंड आउट करना है। और हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन दे रहा है, तो परपेंडिकुलर की हमने लास्ट कंडीशन लगाई हुई थी एन कैप इज इक्वल टू हमने लगाया था ए वेक्टर cos b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये लगाया हुआ था। और हमें कह रहा है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड लग रहा है वो कितने का लग रहा है, मैग्नीट्यूड लगा 49 का, तो हम क्या करेंगे, जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो हम क्या करते थे, लास्ट आपको पढ़ा हुआ था किसमें, स्केलर डॉट प्रोडक्ट्स में, तो उसमें भी हमारा जब मैग्नीट्यूड लगता था तो हम क्या करते थे, उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे यानी 49 a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो बेटा हम a cos b निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a वेक्टर cos b वेक्टर निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे कौन सा, डिटरमिनेंट का रूल लगा के, यानी i कैप j कैप k कैप, यानी a1 a2 क्या है मेरा, a1 2 a2 3 एंड a 3 है मेरा 6, b1 कितना है मेरा 3, b2 कितना है माइनस 6 एंड 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी i कैप ये हमारा फर्स्ट रो हम ड्रॉप हुआ, यानी कितना है 3 2 जो 6 माइनस, इसको हम जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस का आएगा, कितना आएगा 36। ठीक है, प्लस, अब बेटा हमारा जो j कैप होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा, ये होगा मेरा फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम ड्रॉप होगा, यानी क्या होगा 2 2 जा 4, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 3 2 जा 18, क्योंकि 6 3 जा है, उससे 6 जा 18 होगा। ठीक है, प्लस के कैप, ये हमारा थर्ड रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो ड्रॉप होगा, यानी 6 2 जा 12 एंड ये कितना होगा माइनस का, ये होगा 3 3 9, कितना होगा 3 3 9, यहाँ पे 6 12 हुआ एंड यहाँ पे कितना हुआ माइनस का आएगा, किसका आएगा 3 3 9, यानी अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कितना होगा, इसमें हम 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा 42i कैप माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा कितना आएगा, ये आएगा माइनस का आएगा, यानी प्लस का हो जाएगा, यानी 14 क्या आएगा 14j कैप आएगा कि नहीं आएगा, प्लस, अब हमारा यहाँ भी जब सॉल्व होगा यानी आएगा मेरा किसका माइनस का 21k कैप, कितना आएगा माइनस का 21k कैप। अब बेटा हम क्या करेंगे, ये हमारा a cos b वेक्टर आ गया, a cos b वेक्टर आ गया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक लिख दी, यहाँ पे हमारा ये क्या था cos था, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a cos b वेक्टर होगा कितना मेरा रूट में 49 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हियर, अब बेटा 42 का जब स्क्वायर करेंगे 42 का स्क्वायर आएगा हमारा कितना 1764 एंड 14 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 196 एंड जब हम किसका करेंगे 21 का स्क्वायर तो कितना आएगा 441, कितना आएगा 441। अब हम इसका ये जो सम प्लस करेंगे यानी हमारा फाइनली जो रूट आएगा वो किसका आएगा 49 आएगा, ये आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा 49 कैसे है, आप तो रूट निकालना आपको अच्छे से आता होगा। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इसमें, यानी हमारा एन कैप इज इक्वल टू जो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे required vector is equal to
क्या होगा हमारा 49 ब्रैकेट में a क्रॉस b वेक्टर क्या होगा हमारा 42 i कैप प्लस 14 j कैप माइनस 21 k कैप। आया नहीं आया समझ में? अपॉन में हमारा क्या होगा, अपॉन में होगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी हमारा जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है उसका हमारा मैग्नीट्यूड यानी 42, यानी 42 से 42 कैंसिल, यानी फाइनली हमारा आ गया 42 i कैप प्लस 14 j कैप माइनस 21 k। ये हमारा क्या हो गया, दैट इज आंसर। तो आज क्लास आपको अच्छे समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको कुछ अलग ही फील होगा कि आपने कुछ अलग सीखा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है बेटा तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।